म्यूचुअल फंड्स को लेकर ना इन्वेस्टर्स के मन में कई सवाल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और क्या हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो टीवी में एड्स आते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, क्या वाकई में म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है। तो आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे और 1 अप्रैल के बाद से जो म्यूचुअल फंड में टैक्सेस बढ़े हैं उनके बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन टैक्सेस के बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल में फिक्स डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ गए और वहां पर म्यूचुअल फंड के मुकाबले रिस्क भी बहुत कम होती है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप म्यूचुअल फंड के दोनों पहलू अच्छे और बुरे के बारे में जान पाएं और अपने लिए सही डिसीजन ले पाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? अगर आसान भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल होता है जहां पर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके बिहाफ में उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। वो उस पैसे को इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकती है, डेट में इन्वेस्ट कर सकती है, गोल्ड में इन्वेस्ट करती है और कई बार मनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है और फिर उस पैसे को वो मैनेज करती है। इसके बदले में वो आपसे एक फीस चार्ज करती है। तो अगर हम एसेट क्लास के हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें 65% या उससे ज्यादा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर आते हैं डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एटसेट्रा में लगाया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड को फिक्स्ड इनकम फंड्स भी बोलते हैं। और फिर तीसरा कैटेगरी है बैलेंस्ड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसे AMC भी कहा जाता है। इंडिया में कुछ AMCs हैं जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निपॉन्स इंडिया या फिर ICICI प्रोडेंशियल, ये कुछ AMCs हैं। अब ये AMCs एक फंड को लॉन्च करती हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करती हैं ताकि लोग उस फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे कि हमने बैलेंस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया है और इसमें हम डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और यही उस फंड को मैनेज करेंगे और हम आपको एक अच्छा रिटर्न लाके देंगे। आप आइए और हमारे फंड में इन्वेस्ट कीजिए और जो भी उस फंड में इंटरेस्टेड होगा वो अपनी मर्जी से 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 20000 रुपए, जितनी भी उसका मन है वो उस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अब जब लोग उस फंड में इन्वेस्ट करेंगे और जो पैसा इकट्ठा होगा उस टोटल फंड को बोलेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर AUM। अब ये AUM वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये काफी यूज होता है। अब मान लीजिए कि 100 लोगों ने उस फंड में इन्वेस्ट किया है और सबने 1000-1000 रुपए उस फंड में डाले हैं, तो यहाँ पर 100000 रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM हो जाएगा। अब आपने उस फंड में जितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसके हिसाब से उसके प्रपोर्शन में आपको इन्वेस्टमेंट यूनिट मिल जाएंगी और आप उस यूनिट को कभी भी बेच सकते हैं और 2-3 दिन में वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब जो भी फंड इकट्ठा हुआ है उसको फंड मैनेजर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से उस फंड को धीरे धीरे इन्वेस्ट कर देगा। तो मान लीजिए उससे वो 20000 रुपए का कोई कंपनी का स्टॉक खरीद लेगा, 5000 का किसी और कंपनी का स्टॉक खरीद लेगा, 10000 का मान लीजिए बॉन्ड खरीद लेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे 100000 रुपए वो इन्वेस्ट कर देगा और वो उन स्टॉक्स को खरीदता और बेचता रहेगा ताकि वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। और यही म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब म्यूचुअल फंड लेने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड खरीदने के बेनिफिट्स क्या हैं। जो पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तो आप उससे बहुत ज्यादा कंपनियों के शेयर्स नहीं खरीद सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पैसा जो होता है वो एक पूल में जाता है और उससे कई कंपनीज के शेयर को खरीदा जाता है और इसके जरिए आप कई सेक्टर्स, कई एसेट क्लास पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत कम पैसे में यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और दूसरा बेनिफिट म्यूचुअल फंड का है लिक्विडिटी। आप म्यूचुअल फंड में कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आप फिक्स डिपॉजिट में नहीं कर सकते। वहां पर अगर आप टाइम के पहले पैसे को विड्रॉ करेंगे तो आपको पेनल्टी लगती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसे विड्रॉ करने पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगती। तीसरा बेनिफिट है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। जब आप नए इन्वेस्टर्स होते हैं और आप स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करते हैं, और जब आप इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करते हैं तो उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड मैनेजर आपसे बहुत कम फीस लेता है, क्योंकि वो सिर्फ आपसे फीस नहीं ले रहा है, वो उस स्कीम में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन सबसे वो फीस लेता है। चौथा है SIP। तो अगर आप एक बार अपने बैंक में मैंडेट सेट कर देते हैं कि 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, ये आपके बैंक से ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में लगते जाएं और आप एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि आप ये वीकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मंथली, ईयरली, जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप एक टाइम सेट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बैंक से आपके पैसे कटते जाएंगे और म्यूचुअल फंड स्कीम में लगते जाएंगे। तो पैसिवली आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहता है और म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको मैनेज करता रहता है और आपको इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन नहीं लेना होता। अब ये तो सारी म्यूचुअल फंड को लेकर अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ मिसलीडिंग चीजें भी हैं जो एजेंट्स या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि वो तो वही म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं जहां पर उनको कमीशन ज्यादा मिलता है।
तो चलिए म्यूचुअल फंड के कुछ कॉन्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि जो सचिन और धोनी वाले जो म्यूचुअल फंड सही एड्स हैं वो कौन चलवाता है? तो देखने में तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ये ऐड चलवा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट का इन एड से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एड्स एम्फी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाती है। एम्फी एक क्लब है जिसको सारे AMCs ने मिलकर बनाया है। तो अब ये जानना भी यहां पर जरूरी हो जाता है कि जो म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनीज है ये पैसे कैसे कमाती है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी से कमाने से इन्वेस्टर के रिटर्न का कोई भी लेना देना नहीं है। इन्वेस्टर को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, म्यूचुअल फंड कंपनी अपना पैसा निकाल लेती है। जब भी इन्वेस्टर किसी फंड में पैसा लगाते हैं तो उसका 1-2% ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज चार्ज कर लेती हैं, और इस फीस को बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो आप समझ रहे होंगे कि कमाने के लिए इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का मोटिवेशन ये नहीं है कि वो आपको कितना रिटर्न ला के दे रहे हैं, बल्कि उनका मोटिवेशन ये है कि उस फंड में कितना पैसा लग रहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा एक फंड में पैसे लगेगा उसका 2% चार्ज लगाकर वो अपना पैसा कमा लेंगे। वो आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि आप अपनी SIP अभी रोक दो, मार्केट अभी महंगा है और आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे उनकी कमाई इफेक्ट होगी। दूसरा, और ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड के साथ, कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसका पैसे को लेकर हाथ पूरी तरीके से खुले नहीं होते हैं। इन्वेस्टर अगर पैसा देगा तो म्यूचुअल फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाएगा, इन्वेस्टर अगर पैसा निकाल लेगा तो उसको स्टॉक्स और बॉन्ड्स बेचकर इन्वेस्टर को वापस पैसे देने होंगे। कई बार म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की मजबूरी होती है कि जब मार्केट डाउन होता है और उस समय उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने होते हैं, अच्छे प्राइस पे शेयर्स मिल रहे होते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो उस समय घबरा जाता है और वो म्यूचुअल फंड से अपने पैसा निकालना चाहता है। इस वजह से म्यूचुअल फंड की मजबूरी होती है कि जब उसको स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, जब स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हैं, उसको उस समय पर उन स्टॉक्स को बेचना पड़ता है ताकि वो इन्वेस्टर्स का पैसा लौटा सके। और इसके उलट तब होता है जब मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, तब लोग लालच में बहुत ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और कई बार उस समय बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड आपको शेयर्स मिलते हैं, और इस वजह से म्यूचुअल फंड मैनेजर को उस पैसे को कैश में रखना पड़ता है, क्योंकि उस समय अगर वो स्टॉक्स खरीदेगा तो वो सारे ओवर प्राइस शेयर होंगे, और इसीलिए आपके एक्सपेक्टेशन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स कई बार अंडर परफॉर्म करती हैं। तो अब मेन सवाल पर आ जाते हैं कि म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं है। तो कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। पहला, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और गारंटेड रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और ज्यादातर बैंक्स जो हैं वो आज 7% तक का रिटर्न दे रहे हैं। आपको मेजर बैंक्स में इन्वेस्ट करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट तो आपको ज्यादा मिल सकता है लेकिन रिस्क भी वहां पर ज्यादा होती है। ये बैंक्स डिफॉल्ट कर जाते हैं और RBI आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी देती है। 5 लाख से ऊपर जो भी आपकी FD होगी और अगर बैंक डूब जाता है तो वो पैसे आपके भी डूब जाएंगे। तो आपको यहां पर मेजर जो बैंक्स हैं उन पर ही FD कराना है। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप थोड़ी सी रिस्क और ले सकते हैं तो आपको लार्ज मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वहां पर रिस्क थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर मैक्सिमम रिस्क होती है। तो अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड से दूर रहिए। तीसरा, जो बैलेंस फंड होते हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उनसे मुझे लगता है दूर रहना चाहिए। या तो आपको डेट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बैलेंस फंड में फिक्स्ड एसेट एलोकेशन होता है और इस वजह से जो आपका रिटर्न होता है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। जो सेक्टर फंड्स होते हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर उस सेक्टर की अच्छी बुरी कंपनी सारे का कॉम्बिनेशन हो जाता है। दूसरा, जो सेक्टर्स होते हैं वो साइक्लिकल होते हैं, और कई बार एक साइकिल होता है जहां पर वो बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं और उसी समय अगर मान लीजिए आपको फंड्स बेचने पड़ गए तो आपको बहुत भारी लॉस होगा, तो सेक्टर फंड से आपको दूर रहना चाहिए। अब फाइनली 1 अप्रैल 2023 से म्यूचुअल फंड के टैक्सेस में जो चेंजेस आए हैं और जो टैक्सेस बढ़े हैं उनको देख लेते हैं। तो गाइस, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो टैक्स आपको 1 अप्रैल 2023 के पहले लगता था वही टैक्स अभी भी लगता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? ये वो म्यूचुअल फंड है जिसमें 65% जो भी पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया हो। तो अगर 65% के नीचे है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं कहलाते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख के गेंस पर कोई भी टैक्स यहां पर नहीं लगता है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट जनरेट किया है तो उस पर कुछ भी टैक्स आपको नहीं देना है। 1 लाख के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 2 तरह से टैक्स लगता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड को खरीदने के 1 साल बाद उसको बेचा है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है, जो कि है 10%। और अगर आपने म्यूचुअल फंड को खरीदने के 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कि है 15%। तो अगर आपने 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है तो पहले 1 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, दूसरे 1 लाख पर आपको 10% या 15% डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने टाइम बाद उसको बेच रहे हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इस तरह से टैक्स लगता है। अब रिटर्न की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऑन एवरेज 11 से 12% का रिटर्न आ जाता है, और टैक्स काटने के बाद
ये रिटर्न 10% हो जाते हैं, विच इज नॉट बैड। अब जो टैक्स में चेंजेस आए हैं वो आए हैं डेट म्यूचुअल फंड में। 1 अप्रैल के पहले डेट म्यूचुअल फंड लेने में काफी फायदा होता था। सबसे पहले तो अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड लिया है और उसको 3 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए अपने पास रखा है तो उसको बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था फ्लैट 20%। उसके बाद उस टैक्स पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था जिससे अप्रॉक्स टैक्स 10% उसमें से कम हो जाता था, तो आपको यहाँ पर टोटल 10% ही टैक्स लगता था। अब ये सारा सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। अब 1 अप्रैल के बाद से डेट म्यूचुअल फंड पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 30% टैक्स लगेगा। तो अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड बेचने पर जो भी प्रॉफिट आपको होगा उस पर 30% टैक्स आपको देना होगा। सो ऐसा कह सकते हैं कि 10% से बढ़कर ये टैक्स अब 30% हो गया है और ये डेट म्यूचुअल फंड को अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना देता है। क्योंकि अगर आप इसको FD से कंपेयर करेंगे तो वहां पर भी सेम टैक्स लगता है आपके इंटरेस्ट इनकम पर और रिटर्न्स और रिटर्न आफ्टर टैक्स भी सेम है, लेकिन बड़ा डिफरेंस रिस्क पर आ जाता है। जहां FD में बहुत कम रिस्क है वहीं डेट म्यूचुअल फंड मॉडरेटली रिस्की माने जाते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जो लोग डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे वो अब उसकी जगह FD में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आफ्टर टैक्स FD और डेट म्यूचुअल फंड दोनों से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इन दोनों से कहीं ज्यादा रिस्की है। दोस्तों आई एम श्योर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया है या फिर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।